जाइए। आप देखो कोई भी दुश्मन होवे जानबूझ के उसकी तुम कीर्ति करेगा तो उसकी दुश्मनी चले जाएगी, नहीं तो घर में भी तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं, तुमको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि तुमने ही दुश्मन खड़ा किया है। भगवान ने तुमको जब भी तू आया था एक तुमको दुश्मन दिया साथ में, वो बताओ भगवान ने कितना दुश्मन तुमको दिया। तो तुम्हारे इधर करनी से दुश्मन बना न, इधर करनी से दोस्त बनेगा न, सब तुम्हारे ऊपर हुआ। अभी तू ही पुरुषार्थ कर अपना, तो हम ही अपना दुश्मन और दोस्त हम बना के बैठे हैं। फिर हम बोलते हैं दुनिया में प्यार है नहीं, दुनिया में शांति है नहीं, दुनिया में प्यार करने वाला मेरे को कोई नहीं है। तुम बोलता है या नहीं तो प्यार करने वाला नहीं है। तुमने किस किस को प्यार किया है? पहले तो हम अपने से शुरू करें प्यार, तभी हमको लव विंस लव। प्यार करेगा तो प्यार वापस मिलेगा। अपने से, चाहे गुरु का भगत होवे, चाहे गुरु होवे, चाहे कोई भी होवे। फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। पहले तुम किसी से लायकी से चलो, फिर तुमको लायकी मिलेगी। ये तुम लायकी से नहीं चलेगा तो लायकी तुमको कैसे मिलेगी? तुम लोग पहले ही तुमको इच्छा है, क्योंकि तू पैदा ही इच्छा से हुआ है, वांट से। तुम अपनी चलाते हैं, छोड़ सियाने पर सगली मना, तू क्यों लुपता है मूर्ख मना। तुम पहले होशारी चतुराई चालाकी बहुत चलाई है। अब गुरु बोलता है तुम होशारी छोड़ के सत्य सरलता में आ जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान न होगा। हम सबसे सत्य सरलता में रहेगा, सच्चाई में रहेगा। तुम बोलो तो नुकसान कौन सा पड़ेगा? तू वाली दुनिया को बोलता है हमने ऐसा चुप करेगा तो ये हमारे से फायदा लेके जाएगा। हम चुप कर कैसे करेगा? हमारे से ये लोग फायदा लेगा। अच्छा तुम्हारे पास क्या है जो फायदा लेगा? कोई वो भी हमको दिखाओ अपनी बात। तो मेरे पास ये है, ये फायदा लेगा। मेरे पास ये है, ये फायदा लेगा। तुम चुप करेगा, तुम्हारे से कौन सी चीज का फायदा लेगा? किसको किसके कहने में दुनिया चली? ज्ञानी कभी 100 साल नहीं बोलेगा, पर एक दफा ऐसा बोलेगा जो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। और तुम 100 बोली बोलो, तुम्हारी दुनिया में कोई वर्ड की इज्जत नहीं करेगा। तभी भगवान ने गीता में बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व कर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणं व्रज। मैं जो एक ही आत्मा हूँ ना अर्जुन, पहले आत्मा की शरण तो ले। तो दादा आत्मा की शरण लेके चला ना, देह की शरण नहीं लेके चला तो मैं इसका ससुरा हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। तुमको बॉडी में नहीं रह के और किसी से फैसला करने का है, पहले भगवान को आगे रखो। जैसे तुम कोई भी काम करता है, चाहे मौत है, चाहे शादी है, चाहे जन्म है, पहले तुम गणेश छापेगा, भगवान की प्रेयर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, पीछे तुम कोई काम शुरू करेगा। तो फर्स्ट क्यों तुमको महाराज बोलता है अभी स्वाहा करो, अब इस देवता की पूजा करो। सब देवताओं जब भी राजी होगा तब तेरा मंगल कार्य अच्छा होगा। तो हम भी ऐसे देखते हैं, जब इधर आत्म देव की पूजा किया तो सब देवता मेरे से राजी है। जे हमने आत्म देव के अंदर पूजा नहीं किया तो कोई देवता मेरे से राजी न होगा। अब तुमको जवाब मिला या अभी भी नहीं? कारीगर को बुलाया, चाहिए 2 दीवार मेरे को कारीगरी करके दिखाओ। तो दोनों ने कारीगरी किया। राजा आया, बोला मेरी कारीगरी देखो। तो पहले उसने महाभारत की सारी पिक्चर निकाली, तो देखो मेरी दीवार कितनी चमकती है। बोला बहुत अच्छी तुमने कारीगरी किया, महाभारत रचा अपनी दीवार में। फिर दूसरे ने बोला पर्दा उठाओ, अब मेरी कारीगरी देखो। उसने शीशे जैसा दीवार को साफ किया था, तो उसका जो शेडो है सो दीवार में पड़ा। कहीं मेरी डबल कारीगरी देखा। तो शीशा साफ किया तो सारी वर्ल्ड उसके अंदर में आ गई। तो पहले शीशा साफ करने का है, पीछे तू पूरा अंदर में मेरा ज्ञान देखेगा तो पूरा अनुभव होगा। तो इधर सारी बात जैसे भगवान जानता है ऐसे मैं जानता हूँ, जैसे भगवान की निष्ठा है मेरी भी ऐसी निष्ठा है, क्योंकि भगवान तेरे से एक शब्द भी नहीं छिपाता है। एक शब्द मैं नहीं छिपाता हूँ, क्योंकि हमको मिस्ट्री रखने की नहीं है। अर्जुन को भगवान बोलता है मैं गुइज में गुइज ज्ञान तेरे को अर्जुन देता हूँ। फिर आज सारी गीता सारी दुनिया पढ़ती है, तो क्या मिस्ट्री रही भगवान की? मिस्ट्री वो रही जो खुद जब भी पैगंबर आता है तब तेरे को ट्रांसलेट करके पूरा अर्थ सुनाता है। ये है मिस्ट्री, पूरा अर्थ। बाकी जो ज्ञान है सो तो अज्ञान है ही नहीं।